गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एरे। एरेज की होंगे, सो लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल। आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एरे। लेट अस स्टार्ट। सब तो पहला आज तक अपना जो यूज करते आए हैं फॉर सेविंग एन एलिमेंट, वी हैव यूज्ड अ वेरिएबल। आप एक वेरिएबल नू एलीमेंट सेव करने लिए यूज करते आए हैं। हूँ अज आप जो देखांगे वो एरेज। एरेज का की रोल है? एरेज दे विच जो अपन एक तो ज़्यादा एलीमेंट सेव करने होन तां सी एरेज की वरतों करते हैं। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एन एरे इज अ कलैक्शन ऑफ होमोजीनियस सेम टाइप डेटा आइटम्स। एरेज की ने यह एक ग्रुप है एलीमेंट्स का जिन्हों की डेटा टाइप सेम होंगी है तो सेम मैमरी लोकेशन के उत्ते सेव होंगे ने। जे थोनू कोई एरे की डेफिनेशन पूछे यू कैन से दैट दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप आइटम्स विच इज स्टोर्ड ऑन अ सेम मैमरी लोकेशन, उन्होंने आप एरे कहने। एरे की वरतों आप क्यों करते हैं? ताकि जिहड़ा एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो तेजी नाल होवे, सानू साडा जिहड़ा डेटा असी सेव कीता है उहनू लभण दे विच कोई प्रॉब्लम ना होवे, वो बड़ी तेजी नाल एग्जीक्यूट हुंदा है। जे आपां एरे नहीं यूज करांगे जिहड़ा साडा एलीमेंट्स ने वो डिफरेंट लोकेशनस ते सेव होणगे, उहदे नाल की है साडा एफिशियंसी है जिहड़े साडे प्रोग्राम दी वह घट जाती है। एरे इज अ कलैक्शन ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस मीनस सेम टाइप दे जिहड़े डेटा आइटम्स ने उन्हां दा एक ग्रुप है जो एक खास सिक्वेंशियल ब्लॉक्स दे विच मैमरी दे विच सेव हुंदा है। इट इज़ अ वेरिएबल विद अ सिंगल नेम। एक होर पॉइंट है एरे की है, यह एक सिंगल वेरिएबल दे विच सेव हुंदा है। एरेज दे विच एक सिंगल वेरिएबल दे विच असी डिफरेंट एलीमेंट्स नू सेव करदे हां ते उन्हां दी जिहड़ी डेटा टाइप है और डिक्लेयर कर दें। वाइल डिक्लेयरिंग डेटा टाइप थोनू ध्यान रखना चाहिए भी तुसी की इनपुट देन जा रहे हो, केड़ा एलीमेंट तुसी सेव करन जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू सेव नंबर्स यू शुड गो फॉर इंटीजर। इंटीजर दे विच भी जे थोनू लगता है भी असी कोई वड्डी वैल्यू सेव करनी है दैन यू कैन गो फॉर लोंग। जे तुसी कोई डेसिमल वैल्यू सेव करनी है यू कैन गो फॉर सिंगल, फर्स्ट यू कैन गो फॉर सिंगल। जे थोनू लगता है भी ओदे विच भी तुसी बहुत ज़्यादा वैल्यू सेव करनिया ने दैन यू कैन गो फॉर डबल। जे ट्रू फॉल्स दी वैल्यू सेव करना चाहते हो एलीमेंट दे विच फिर तुसी बूलियन लै सकते हो। जे तुसी कोई स्ट्रिंग सेव करनी है, कोई नेम सेव करना है, फिर तुसी स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करोंगे, वेरिएबल एज स्ट्रिंग उन्हों सेव करोंगे। जे तुसी चाहते हो भी सारिया ही डेटा टाइप्स असी यूज क्यों कोई भी डेटा टाइप असी यूज कर सकते हैं फिर तुसी वेरिएंट यूज करोंगे, डेटा टाइप वेरिएंट।
वेरिएंट है जिहड़ी डेटा टाइप वो सब तो ज़्यादा जिहड़ा है थोड़ा मैमरी लैंदी है। डेटा टाइप्स दे विच एक पॉइंट होर है, तुसीं डेटा टाइप नूं जदों सिलैक्ट करदे हो वो तुहानूं मैमरी दे विच साइज प्रोवाइड करदी है। तुसीं उही डेटा टाइप चूज करनी है जिहड़ी डेटा टाइप थोड़े प्रोग्राम दे विच तुहानूं लोड है, क्योंकि वो थोनों मैमरी दे विच साइज प्रोवाइड कर रही है। जे समझ लो आपां बाय डिफॉल्ट वेरिएंट सिलेक्ट हो जाता, आपां कोई आपां एरे दी डेटा टाइप आपां मेंशन ना करिए, बाय डिफॉल्ट वो वेरिएंट सिलेक्ट हो जू, ठीक है कंफर्टेबल अपना प्रोग्राम चल गया, बट वो वेरिएंट जिहड़ा सिलेक्ट हो गया अपनी मैमरी नू ब्लॉक करके रख लिया उन्हें। काम तो आपां ने इंटीजर दे विच करना सी, आपां वेरिएंट दे विच काम कर रहे हैं, चल रहा प्रोग्राम, बट साडा जिहड़ा मैमरी है ਉਹ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਨੀਡ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਂਟਰ 100 ਨੇਮਸ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ 100 ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ 100 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਨੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਲਝ ਜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ ਨੇਮ 1, ਨੇਮ 2, ਨੇਮ 3, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਵੀ ਵਰਕ ਵਿਦ ਅ ਸਿੰਗਲ ਆਈਟਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਈਟਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਓਨਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਮ ਆਈ ਐਜ਼ ਇੰਟੀਜਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ, we use the dim statement to declare an array just as way we declare a single variable. jis tarah apa single variable nu declare karde si usse tarah apa array nu declare karange. syntax oda ki hai? dim, array da naam, brackets de vich tusi dassna hai vi kinne tusi elements you are going to save as kedi data type naal. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਿਮ ਕੋਪਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਡਿਮ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਪਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਕੋਪਾ ਨਾਮ ਦਾ ਐਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 9 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇੰਟੀਜਰ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 9 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਐਰੇ ਨੇਮ ਸਟੈਂਡਸ, ਉਹ ਐਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਈਏ 0 ਤੋਂ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਰੇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ 7 ਵੈਲਿਊ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੇ 9 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉਹ 'ਚ 7 ਵੈਲਿਊ ਸੇਵ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਉਹ 0, ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਦਾ 0 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 0 ਇੰਡੈਕਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
इस तरह उन्होंने इंडैक्स दिते जाते हैं। जिहड़ा सब तो छोटा इंडैक्स हुंदा उहनूं असीं लोअर बाउंड कहिंदे आ, जिहड़ा सब तो वड्डा इंडैक्स हुंदा उहनूं असीं अपर बाउंड कहिंदे आ। लोअर बाउंड ते अपर बाउंड इन्हां नूं आपां एल बी यू बी भी कह दिंदे आ। इन्हां दी लोड़ आपां नूं उदों पैंदी है जदों आपां कोई लूप दे विच एरेज नूं शो करना हुंदा, जो आप नैसटिड लूप च या फॉर लूप के एरेज में आप स्क्रीन के उत्ते प्रिंट करना होंगे तो आपको लोअर बाउंड तो अपर बाउंड की लोड़ पैंदी है। जिहड़ी यह एग्जाम्पल है तुसी स्क्रीन के उत्ते देख रहे हो, इट इज़ अ वन डायमैशनल एरे, इनू आप वन डायमैशनल एरे कहांगे। ये या तो एक रो के होगा या एक यह कॉलम के होगा। कॉन्जीक्यूटिव मैमरी लोकेशन, यह एक मैमरी लोकेशन से कट्ठा सेव होगा। ये एक प्लस एक एडवांटेज है एरेज की भी जिहड़ी भी वैल्यू सेव होंदी है वह एक मैमरी लोकेशन पर सेव होंदी है। तो नीचे तुसी देखो सब तो पहला एरेज वैल्यू मैनशन कीतियां ने, समझो आपने नीचे फाइव एलीमेंट्स सेव किए, निचली एग्जाम्पल दे विच जिथे मैमरी लिखा हुआ, समझो आपने फाइव वैल्यूज सेव कीतियां 34, 21, 2, 66, 567 ये अपने वैल्यू सेव की साढ़े एरे दे विच। तां उन्हां नूं इंडेक्स की प्रोवाइड किया गया 0, 1, 2, 3, 4 ये उन्हां दा एक तरह आप कह सकते हैं रोल नंबर है जिदे राही आप उन्हां नूं स्क्रीन दे उत्ते प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीन दे उत्ते आप डिस्प्ले करांगे। नीचे उन्हां दी मैमरी लोकेशन दिखाई गई है भी वह किवें एक कॉन्जीक्यूटिव मैमरी लोकेशन के उत्ते सेव होंगे ने, मीनस एक एक कट्ठी मैमरी के उत्ते मैमरी लोकेशन के उत्ते उन्होंने सेव किया जाता है। मैमरी एड्रैस, एरे वैल्यूज, एरे इंडैक्स जिहड़ा उन्होंने इंडैक्स दिता गया, तो उन्हों की मैमरी लोकेशन वह एक एक मैमरी लोकेशन पर सेव होंगे। हुण आपां देखदे हां वी एक जिहड़ा एरे है उहनूं असीं किवें डिकलेयर करना वीबी दे विच। आपां हरेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे विच एरेज नूं यूज करदे हां, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजिस दे विच आपां स्क्वेयर ब्रैकेट्स नूं यूज करदे आए हां, इहदे विच आपां राउंड ब्रैकेट्स नूं यूज करांगे। इत्थे तुसीं देख सकदे हो डिम डायमेंशन नाल आपां ने एरे दा नेम कुछ भी नाम रख सकदे हो तुसीं, इत्थे दस्सिया भी गया declaration of the array, कोई भी उन्हें नाम दे सकते हो। उदों बाद आ जाता है एरे का साइज, उही किन्ने एलीमेंट्स तुसी सेव करने ने। इत्थे आपां लिख रहे हैं एज स्ट्रिंग, वी आर गोइंग टू सेव सम नेम्स, असी कुछ नेम्स सेव करन जा रहे हैं। उदों बाद तुसी सेव किवें करना, नैक्सट लाइन दे विच तुसी एरे का नाम लिखोगे, एरे का नाम जो उपर तुसी मैंशन किया उही तुसी नीचे लिखोगे, कुछ भी चेंज नहीं करना, कोई अपर केस लोअर केस तुसी कुछ नहीं चेंज करना, जो तुसी उपर नाम लिखे उही तुसी नीचे विदाउट स्पेस लिखोगे। उदों बाद तुसी जीरो जिहड़ा जीरो बाउंड है उहनूं तुसी की नाम दिता देव, तुसी कोई भी नाम दे सकते हो, एग्जाम्पल दे विच इह लिखा है, समझ लो तुसी मनप्रीत लिखिया। उदों बाद सैकेंड इंडैक्स नूं आपां ने की नाम दिता, फॉर एग्जाम्पल गुरप्रीत, एंड थर्ड नूं एवें तुसी नाम दे के जो मैसेज डॉट बॉक्स के जो तुम शो करना चाहोगे सारे नाम थोड़ा शो हो जाएंगे। इन दिस वे यू कैन डिकलेयर एरे, दिस इज अबाउट द डेक्लेरेशन ऑफ द एरे। इतने आप देख रहे हैं भी एक एरे को डिकलेयर किमें करना है। नाउ मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एरे, पहला आपने ये देखा भी एक एरे को डिकलेयर किमें करना है, एक सिंपल वन डायमेंशनल एरे नू किवें डिकलेयर किया जाता है। हुण आपां ने मूव हुण आपां देखदे हां इन्हां दी टाइप्स की ने। सब तो पहला वन डायमेंशनल एरे हुंदे ने जिन्हां नू आपां फिक्सड एरे भी कह दिंदे आ। फिक्सड एरे क्यों कहिंदे आ, क्योंकि उहदे च आपां ने एरे दे एलीमेंट्स की जिहड़ी गिनती है वह आपां ने फिक्स कीती है। वी आर गोइंग टू सेव फाइव एलीमेंट्स, थ्री एलीमेंट्स, नाइन एलीमेंट, जिमें आपने पहले नाइन एलीमेंट सेव किए थे उमें आपने उन्होंने एक फिक्स करती भी इन्ने एलीमेंट्स असी सेव करांगे। वो वन डायमेंशनल एरे की एग्जाम्पल सी। आफ्टर वन डायमेंशनल वी हैव टू डायमेंशनल एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज,
जैगेड एरेज, इन्हों पर रैगेड एरेज भी कह दें। ऑन दी अदर साइड वी हैव डायनामिक एरेज। वन इथे तुसी एक पॉइंट ध्यान रखो, वन डायमेंशनल एरे है जेड़ा, यह वन डायमेंशनल एरे एक रो या कॉलम दे विच होंदा है। जेड़ा टू डायमेंशनल एरे है इट इज द कॉम्बीनेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। तुसी कह सकते हो भी जेड़ा टू डायमेंशनल एरे है इट इज द कॉम्बीनेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, एंड थ्री डायमेंशनल एरे इज द कॉम्बीनेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, फोर डायमेंशनल एरे इज द कॉम्बीनेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल एरे। एवं अगे भी अगे एक दूजे के कॉम्बीनेशन होंगे ने। जेड़े जैगेड एरेज ने इन्हों के एलीमेंट भी एरेज होंगे ने। इट इज अ एरे ऑफ एरेज। जैगेड एरेज के आप कोई वैल्यूज नहीं सेव करते, जैगेड एरेज के आप एरेज में ही सेव करते। जिहड़ा डायनामिक एरे है वह सब तो डिफरेंट है। डायनामिक एरे के आप करा आप एलीमेंट्स की जी गिनती है वह आप डिकलेयर नहीं करते। डायनामिक एरे के आप कोई एलीमेंट्स की किन्ने एलीमेंट्स असी सेव करने ने वो आप मैनशन नहीं करते, डिकलेयर नहीं करते। सीधा अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लैंने, वो वैल्यूज सेव करते हैं। डायनामिक एरे के आप रीडिम कीवर्ड है जोड़ा सा यूज करते हैं प्रोग्राम के ड्यूरिंग द प्रोग्राम। यू कैन तुसी कि भी रीडिम लिख के अपने एरे के एलीमेंट्स की गिनती वधा घटा सकते। दिस इज द एडवांटेज ऑफ डायनामिक एरे। ये तुसी देख सकते हो यह वन डायमेंशनल एरे की एक एग्जाम्पल है। इनू आप स्टैटिक एरे भी कह दें। स्टैटिक एरे इज ऑलसो नोन एज फिक्सड एरे। फिक्सड एरे भी कहा जाता है, स्टैटिक एरे भी कहा जाता है। इन दिस एरे वी डिकलेयर नंबर ऑफ एलीमेंट्स। ये वन डायमेंशनल एरे की एग्जाम्पल है। ये आप नंबर ऑफ एलीमेंट्स डिकलेयर करते हैं। यह या एक रो के रूप हों या एक कॉलम के रूप आप जो है डेटा सेव करते हैं मैमरी के। हम जिमें एग्जाम्पल देख रहे हो आपने स्टार्टिंग डिम नम नाम एक नाम रख लिया, वह नम उहदे विच आपां ने फाइव एलीमेंट्स मैनशन किए भी असी फाइव एलीमेंट्स सेव करांगे एज इंटीजर। असी न्यूमैरिक वैल्यू उहदे विच सेव करांगे। उस तों बाद आपां ने एक वेरीएबल डिकलेयर किया फॉर लूप चलाने लई डिम आई एज इंटीजर। उस तों बाद आपां ने जिहड़ियां साडियां फाइव वैल्यूज ने वह सेव कीतियां। सब तो पहला जीरो लोकेशन पर 10, वन लोकेशन पर 20। नंबरिंग है जी इंडैक्स नंबर है सबसक्रिप्ट, इन आप सबसक्रिप्ट भी कहने। इंडैक्स नंबर जो 0, 1, 2, 3 मिलता है एरेज में आप सबसक्रिप्ट भी कहने। वो हमेशा जीरो तो ही स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 असी अपन वैल्यूज़ में सेव किया। फिर अपने एक फॉर लूप, फिर एक फॉर लूप क्रिएट किया जोड़ा कि सगा किमें आप फॉर लूप में एग्जीक्यूट करा। उपर वेरीएबल लिया आई, उन्होंने आप आई इक्वल टू 0 to 5 लूप साडा कितने तो कितने तक चले 0 to 5 तक चले। फिर आपने राइट लाइन नाल उन्हें डिस्प्ले कर लिया स्क्रीन के उत्ते साडिया जिहड़ियां वैल्यूज ने। ये सारिया वैल्यूज सानू डिस्प्ले दे विच शो होनगियां। नीचे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दसे गए ने भी जदों तुसी एरेज का नाम डिकलेयर करते हो, नेम डिकलेयर करते हो, तो वह यूनीक होना चाहिए। वीबी दे विच अपने कोल डिफरेंट कीवर्ड्स ने, प्रिजर्वड कीवर्ड्स ने। तुसी उन्हां कीवर्ड्स दे नाम दे वर्गा कोई नाम नहीं रख सकते। यू कैन नॉट गो फॉर डॉलर साइन हैश या कीवर्ड्स जिमें डिम हो गया, रीडिम हो गया, अनदर कीवर्ड्स प्रिजर्व हो गया। इन्हां कीवर्ड्स दे उत्ते तुसी अपने एरे दा या किसी भी तुसी ये वेरीएबल भी डिकलेयर कर रहे हो तो तुसी कीवर्ड्स दे नाम दे नाल उन्हां दा नाम नहीं रखना। इट मस्ट बी यूनीक, यूनीक होना चाहिए। या थोड़ा नाम हो, कोई होर नाम हो, यूनीक होना चाहिए जोड़ा थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रिलेटिड वो कीवर्ड्स या अदर जोदिया रूल्स ने उन्होंने विचला कुछ नहीं होना चाहिए। मस्ट नेम मस्ट बिगिन विद अ लैटर और द अंडरस्कोर। तुसी अंडरस्कोर यूज कर सकते हो अपने नाम के। मे नॉट कंटेन एम्बेडिड स्पेसिस और मैनी स्पैशल कैरेक्टर्स। स्पैशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते नाम रखन लगे, जिमें कि पहला भी आपने कहा डॉलर हैश कॉलन इन्होंने चीज़ों को तुसी यूज नहीं कर सकते नाम रखन लगे। यूनीक नाम ही रखना। अंडरस्कोर है जोड़ा वो वैलिड है या कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल एरे।
हुण आपां देखदे हां वी वन डायमैशनल एरे ते टू डायमैशनल एरे दे विच की फर्क है। पिछे तुसीं देखिआ वी वन डायमैशनल एरे एक रो दे विच हुंदा है, इत्थे वी तुहानूं उपर एक एग्जाम्पल दित्ती गई है जिहदे च फाइव एलीमेंट्स सेम ने वन डायमैशनल एरे। नाउ यू कैन सी अ टू डायमैशनल एरे। इन टू डायमैशनल एरे यू हैव कॉलम्स एंड रोज। टू डायमैशनल एरेज दे विच कॉलम्स भी होणगे रोज भी होणगीआं। जिवें आपां ने कहा सी वी टू डायमैशनल एरे इज अ कॉम्बीनेशन ऑफ वन डायमैशनल एरे, इत्थे तुसीं उही देख सकदे हो। फस्ट वन डायमैशनल एरे दे विच सिर्फ एक रो सी, टू डायमैशनल एरे दे विच अपने कोल थ्री रोज हो गई, तां कॉम्बीनेशन हो गया ना यह वन डायमैशनल एरे दा। टू डायमैशनल एरे वन डायमैशनल एरे दा कॉम्बीनेशन। तां हुण इहनां नूं उपर तां आपां ने एड्रैस देता सी, इंडैक्स जिहड़ा इहनां नूं दित्ता गया सी सबस्क्रिप्ट इंडैक्स जिहड़ा कि सी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तां हुण टू डायमैशनल एरे नूं उह किवें दित्ता जाऊगा, नीचे उहदी एग्जाम्पल है। टू डायमैशनल एरेज दे विच फस्ट तुसीं देखो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 जिहड़े कि डायग्राम दे विच शो कीता गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। हुण स्टार्टिंग दे विच की है, 0 रो 0 कॉलम, नीचे नूं की शुरू हो गया, फस्ट रो 0 कॉलम, सैकेंड रो 0 कॉलम, थर्ड रो 0 कॉलम। उदू बाद की होया, 0 रो फस्ट कॉलम, फस्ट रो फस्ट कॉलम, सैकेंड रो फस्ट कॉलम, थर्ड रो फस्ट कॉलम। उदू बाद रो 0 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 2। उदू बाद लास्ट फोर्थ कॉलम दे विच तुसीं देखो 0 रो थर्ड कॉलम, फस्ट रो थर्ड कॉलम, सैकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इहनां दी मैमरी लोकेशन है जिथे थोड़े एलीमेंट्स लोकेशन है इहनां दी जिथे थोड़े एलीमेंट्स सेव होंगे। इन दिस एग्जाम्पल किन्ने हो गए ये थोड़े एलीमेंट्स जिहड़े तुसीं सेव करन जा रहे हो, इहदे विच थोड़े कोल 15 एलीमेंट्स सेव ने। 15 एलीमेंट्स जिहड़े ने तुसीं एक 2D एरे दे विच, 2 डायमेंशनल एरे दे विच तुसीं सेव कीते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरेज। हुण साडे कोल एक होर एग्जाम्पल है 2 डायमेंशनल एरे दी। इन दिस एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल प्रोग्राम वी हैव डिकलेयर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। असी 2 रोज ते 3 कॉलम्स इहदे च डिकलेयर कीते ने। वी हैव डिकलेयर्ड 2 वेरीएबल्स, असी 2 वेरीएबल्स भी इहदे च डिकलेयर कीते ने फॉर साडा नेस्टेड लूप चलाउण लई। हुण इस दे विच आपां ने की कीता है, सब तो पहला आपां ने 2 डायमेंशनल एरे नूं डिकलेयर कीता है। डिकलेयर किवें करना 2 डायमेंशनल एरे नूं, तुसीं लिखना डिम नाम उहदा नाम। उदू बाद जिथे आपां पहला एक वैल्यू पाते सी, आपां पहला लिखते सी ना भी असीं 5 एलीमेंट्स सेव करने ने, वह एक रो दे विच सेव हो जाते सी। वैन यू आर डिकलेयरिंग 2 डायमेंशनल एरे यू विल मैनशन, तुसीं किस तरह मैनशन करोगे, ब्रैकेट्स दे विच तुसीं लिखोगे 2 रोज कॉमा स्पेस 3 कॉलम्स ब्रैकेट क्लोज एज इंटीजर, मतलब असीं इन्हां दे विच न्यूमेरिक वैल्यू सेव करांगे। ठीक है, डेक्लेरेशन सारे जने देखो, जदों तुसीं 2 डायमेंशनल एरे नूं डिकलेयर करना, तुसीं लिखोगे डिम उहदा नाम ब्रैकेट स्टार्ट 2 रोज असीं लैन जा रहे हैं कॉमा स्पेस 3 कॉलम्स एज इंटीजर। बाद च असीं उहनां दी डेटा जिहड़े साडे एरे दी डेटा टाइप असीं डिकलेयर करती। फिर असीं 2 वेरीएबल्स लै ले साडा फॉर नेस्टेड लूप चलाउण लई। उदू बाद असीं इन्हां नूं वैल्यूज प्रोवाइड कीतीआं, साडे जिन्ने कॉम्बीनेशन हो सकदे ने उन्ने कॉम्बीनेशन लिखण तों बाद असीं उहनां दे विच वैल्यूज सेव कीतीआं। जिवें 0-0 कॉम्बीनेशन, जिवें तुसीं देख सकदे नम 0-0 10, नम 0-1 20, असीं जिन्ने कॉम्बीनेशन उहदे हो सकदे ने उन्ने कॉम्बीनेशन लिख के असीं वैल्यूज सेव कीतीआं। फिर असीं एक फॉर लूप बनाया
i इक्वल टू 0 टू 2, i दी वैल्यू जो 0 है तां जेड़ा निचला नेस्टेड लूप है वह एग्जीक्यूट हो जूगा। पहला जेड़ियां फर्स्ट 10 टू 40 एलीमेंट्स ने, जेड़े फर्स्ट साढ़े 4 एलीमेंट्स ने, उन्होंने प्रिंट कर दूगा। फिर जो आई की वैल्यू 1 हो जूगी फिर दोबारा प्रिंट करूंगा, जो फिर आई की वैल्यू 2 हो जूगी फिर दोबारा प्रिंट करूंगा, नेस्टेड लूप चलूगा। राइट हैंड साइड तुसी देखो भी इन्हों तुसी किवें इन्हों इंडेक्स दिता जाता है, जेडे असी मैनशन किए हैं, असी 2 रोल्स मैनशन कीतिया ने, 3 कॉलम्स मैनशन किए हैं, तो साढ़े को 2 रोज 3 कॉलम्स, नंबरिंग उन्होंने इंडेक्स जोड़ा 0 तो शुरू हो रहा है, 0 कॉलम 0 रो, 1 रो 0 कॉलम, 2 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। उस तरह जिमें अपने पिछे देखे इस प्रोग्राम के किन्ने एलीमेंट्स सेव कर रहे हैं, 12 एलीमेंट्स असी सेव कर रहे हैं, वी आर सेविंग 12 एलीमेंट्स। एक असी रोज़ ते कॉलम्स के रूप उसनू सेव कर रहे हैं। कई बार सानू लोड होंदी है भी जिहड़ा साडा डेटा है वह एक रोज़ ते कॉलम्स के विच सेव होवे, तां उत्थे असी 2 डायमेंशनल एरे की वरतों करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरेज। नीचे अपना डायग्राम नाल तो देख ही रहे हैं, जो कि तुसी पिछे भी देख के आए हो। 1D एरे कंटेन्स सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। 1 डायमेंशनल एरे विच एक रो होगी बट कॉलम्स मल्टीपल होंगे। इन 2D एरे अपने को मल्टीपल रोज भी होंगी है, मल्टीपल कॉलम्स भी होंगे, ठीक है। 1D एरे इज अ सिंपल कलेक्शन ऑफ एलीमेंट्स। 1 डायमेंशनल एरे एक सिंपल कलेक्शन है एलीमेंट्स की, जबकि 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 1D एरे। 2D एरे ने जेडे वह 1 डायमेंशनल एरेज की कलैक्शन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 1D एंड 2D एरेज। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 3D एरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3D एरेज के इंडेक्स न समझना। In 3-dimensional arrays, you will have to declare 3 different array sizes. जदों तुसी 3-dimensional array नू declare करना है, तुसी 3 different sizes declare करोंगे। जिमें कि syntax दे विच तुसी देख सकते हो, dim dimension array दा नाम आ गया my array, और दुआ तुसी square brackets दे विच show करना है, लिखना है, जिमें 2, 3, 4 as integer। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 2 ਰੋਜ਼ 1, 2 ਫਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਏ, 1, 2। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1, 2, 3। ਫੋਰਥ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अपर साइड के उत्ते अप उत्ते देखो भी तुसी 1, 2, 3, 4 बना रहे हो। ये हो गया थोड़ा 3-dimensional। इनू भी उवें ही नंबरिंग दिती जाती है, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स नंबर सबस्क्रिप्ट उवें ही दिते जाते हैं। इन 3-dimensional एरे यू विल हैव टू डिक्लेयर 3 डिफरेंट एरे साइजिज। इन अबव वी हैव 24 एलीमेंट्स। हूँ ये जो थोड़ा उपर डायग्राम दिख रही है, ये 24 एलीमेंट्स असी सेव कर रहे हैं 3-dimensional एरे। यू कैन काउंट, तुसी काउंट भी कर सकते हो। काउंट उवें ही करने ने, फस्ट इंडैक्स के पहला, फिर सैकेंड इंडैक्स के, फिर थर्ड इंडैक्स के। जिमें उन्होंने इंडैक्स, जिमें आपां नूं इंडैक्स दिखाई दे रहा, उस इंडैक्स के अकॉर्डिंग आपां साइड्स नूं काउंट करांगे। It has 2 multiply 3 multiply 4, 24 elements. This is 3-dimensional array. Syntax ki hai, niche dekho. Tusi naam aave bhi rakh sakde ho. 3 sub start karke, 3 underscore, underscore means tusi use kar sakde ho.
ड्यूरिंग द डेक्लेरेशन ऑफ द नेम ऑफ द एरे, तो उसी अंडरस्कोर नू यूज कर सकते। एक होर तरीके नाल तुसी किसी भी वेरिएबल नू डिक्लेयर कर सकते हो उहदे साइज नू, तो उसी सीधा लिख सकते हो डिम माई एरे, यानी कि कोई भी नाम डिम मनप्रीत या जो भी थोड़ा नाम है, डाउन ब्रैकेट्स दे विच तुसी लिख सकते हो 1 2 2 मीन्स टू एलीमेंट्स वी आर गोइंग टू सेव, मीन्स 1 2 2 भी लिख सकते हो। इत्थे भी आपां उवें ही कर रहे हैं, निचली एग्जाम्पल दे विच 1 2 2 कॉमा स्पेस 1 2 2 कॉमा स्पेस 1 2 2 मीन्स 2 2 2 एलीमेंट्स, 3-dimensional एरे नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो असीं 2 2 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 2 भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस, तुम्हें भी लिख सकते हो। हुण जिहड़ा 3-dimensional एरे है उहनूं सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स किवें दिता जांदा है, इत्थे एग्जाम्पल दे विच तुसीं देखो आपां ने कहा 3 4 2 3 रोज 4 कॉलम्स एंड 2 है जिहड़ी इहदी इह थर्ड डायमेंशन है, उहने 3 रोज लईआं 0 रो फस्ट रो एंड 2 रो तुहानूं बॉक्स दे विच दिखाई दे रही है जिहड़ा असीं उहनूं इंडेक्स दित्ता है, जिहड़ा असीं 4 मैनशन कीता है उहदे की बन गए 4 ब्लॉक्स बन गए कॉलम बन गए 4 0 1 2 3 जो कि 3 तक चलणगे क्योंकि आपां ने 0 तों दी नंबरिंग स्टार्ट कीती है 0 सैकेंड 2 तों बाद जो सैकेंड नंबर ते सानूं कॉलम्स मैनशन कर रहे हैं 0 कॉलम फस्ट कॉलम सैकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, जिहड़ी साडी थर्ड डायमेंशन है वह है 2 उपरली साइड 0 1 2 बॉक्सिस उपरली साइड थर्ड डायमेंशन दे बन गए। इस तरह थोड़े जिहड़ा 3D एरे है उन्हों इस तरह इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट दिते जाते हैं, इस तरह डेटा जिहड़ा थोड़ा लोकेशंस दे उत्ते सेव होंगे। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी द रो एंड कॉलम्स ऑफ 3-dimensional एरे, इत्थे जिहड़ा एनडी एरे लिखा होया है एनडी एरे वो कुछ नहीं, वह यूजली फिक्सड साइज एक कंटेनर है जो कि फिक्सड साइज के जो असं उन्होंने मैनशन करते हैं वह कंटेनर है जस्ट मेन, तुसी ये डायग्राम दे विच ये देखो भी उन्होंने इंडेक्स ते सबस्क्रिप्ट किवें दिता जांदा है 3-dimensional एरे, 0 रो फस्ट रो 2 रो 0 कॉलम फस्ट कॉलम सैकेंड कॉलम थर्ड कॉलम उपरली साइड 0 1 जिहड़े आपां ने 2 थर्ड डायमेंशन भी मैनशन कीती है। एक एग्जाम्पल है थोड़े 3-dimensional एरे की, 3-dimensional एरे नूं तुसी किवें डिक्लेयर कर सकते हो, डिम एरे का नाम रखो 1 2 2 तुसी इहनूं 2 2 2 भी लिख सकते हो 1 2 2 भी लिख सकते हो एज इंटीजर, उदू बाद आपां ने इन्हां नूं वैल्यूज प्रोवाइड कीतीआं, इहदे विच तुसी जिथे देख रहे हो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 इह की ने डिफरेंट कॉम्बीनेशनस ने जिहड़े कि इन्हां दे हो सकते ने, असीं डिफरेंट कॉम्बीनेशनस मैनशन करके जिहड़ियां वैल्यूज ने उन्हां नूं सेव करना, जिन्ने मैक्सिमम कॉम्बीनेशन हो सकते हैं उन्ने कॉम्बीनेशन मैनशन करके वैल्यूज नूं सेव कर दो थर्ड डायमेंशनल एरे दे विच, दैन मैसेज बॉक्स एरे नेम 1 1 1 इहदे नाल की होगा 1 1 लोकेशन दे उत्ते जो भी वैल्यू तुसी सेव कीती होगी वह थोड़ी डिस्प्ले हो जाएगी, तुसी मैक्सिमम कॉम्बीनेशन लिख के वैल्यूज नूं जिहड़ा सेव करना। हुण जिवें आपां ने पिछे देखिया 1-dimensional एरे 2-dimensional एरे इज अ कॉम्बीनेशन ऑफ 1-dimensional एरे 3-dimensional एरे इज अ कॉम्बीनेशन ऑफ 2-dimensional एरे, इहदू बाद एक साडे कोल आ जांदा है जैगेड एरेज या रैगेड एरेज, ये की है जैगेड एरेज दे विच असीं जिहड़े रो ते कॉलम्स ने उहनां नूं अपनी नीड दे अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर सकदे हां ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲਮ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ 3-dimensional ਐਰੇ ਜਾਂ 2-dimensional ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲਮਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 3-dimensional ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਕੋਲਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਕੋਲਮਸ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਪੇਸ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੈਗਡ ਐਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਮਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੈਗਡ ਐਰੇਜ਼ ਦਾ। ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਐਰੇ ਆਫ ਐਰੇਜ਼ ਹੈ। ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੂਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੈਗਡ ਐਰੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਐਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੈਗਡ ਐਰੇਜ਼। ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਰੇ ਆਫ ਐਰੇਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੈਗਡ ਐਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਰੇਜ਼ ਦੇ ਐਰੇ ਹੈ, ਐਰੇਜ਼ ਦਾ ਐਰੇ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਟਰਨ ਐਨ ਐਰੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਰੇ ਹੈ। ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਹੂਜ਼ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ਿਸ। ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ਿਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਲਮਸ ਨੇ, ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਲਮਸ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਲਮਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲਮਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਗਡ ਐਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ ਐਰੇ ਅ ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਇਨ ਵਿੱਚ ਈਚ ਆਫ ਐਰੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਇਨ ਐਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਫੋਰ ਐਰੇਜ਼। ਅ ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ ਰੈਗਡ ਐਰੇਜ਼ is an array of arrays in which the member arrays in turn can be of different dimension and sizes. ohi sari gal declare kiti gayi hai jehdi fun pehla das chukya main. you may implement multiple dimensional arrays or jagged arrays to improve performance. tusi jagged arrays nu use karke apni programming de vich tusi apni performance nu vadha sakde ho, jehda sadi memory ਬਾਕੀ ਐਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਐਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਲੌਕ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੇ ਫਾਈਵ ਐਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੈਗਡ ਐਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੈਗਡ ਐਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਐਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਐਰੇ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਰੇਜ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਰੀਡਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀਵਰਡ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਰੇ ਵਿਦ ਅ ਬਿਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਆਟੋ ਰੀਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਰੀਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇ ਐਕਸਪੈਂਡਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਐਡ ਮੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਡਿਮ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਹੈਡ ਟਾਈਮ। ਦ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇ ਆਰ ਦਾ ਐਰੇ ਵਿਚ ਆਰ ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਮੈਮਰੀ ਐਟ ਦਾ ਰਨ ਟਾਈਮ, ਦ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਫਰੋਮ ਹੀਪ।
जो प्रोग्राम नू रन कर रहे हो रन टाइम दे उत्ते जो प्रोग्राम नू रन कर रहे हो तुसी ओनू मैमरी एलोकेट कर सकते हो रीडिंग कीवर्ड यूज करके, क्योंकि देखो स्टार्टिंग दे विच तां असी जिवें तुसी एग्जाम्पल दे विच देखो द फस्ट स्टैप इज डिकलेयरिंग अ डायनेमिक एरे इज बाई यूजिंग द डिम स्टेटमेंट विद स्पेसीफाइंग द डायमेंशन। फस्ट एग्जाम्पल दे विच देखो आपने लिखा डिम माई एरे, कुछ मैनशन नहीं किया भी किन्ने एलीमेंट्स असी लैके जाने हैं, किन्ने एलीमेंट्स नाल असी काम करना एज इंटीजर। असी अं स्टार्ट कर लिया प्रोग्राम, उदू बाद दैन एट द रन टाइम वी कैन स्पेसीफाई द एक्चुअल एरे साइज यूजिंग द रीडिम स्टेटमेंट, जिमें कि तुसी नीचे देख रहे हो। समझ लो प्रोग्राम के दौरान सानू क्लीयर हो गया भी असी फाइव एलीमेंट्स लैके जाने ने, फिर असी की करांगे रीडिम लिख के एरे का नाम जो उपर मैनशन किया उही एरे का नाम नीचे फिर असी फाइव लिख देंगे, मीनस असी फाइव एलीमेंट्स नू सेव करना चाहते हैं। उस तो बाद जे तुसी फर्दर यू कैन ऑलसो डिकलेयर अ टू डायमेंशनल एरे यूजिंग रीड इन स्टेटमेंट एज फॉलोज। एक तो तुसी इनू बार बार रीड इन यूज कर सकते हो प्रोग्राम दे विच, तुसी टू डायमेंशनल एरे नू भी रीड इन स्टेटमेंट नाल इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, वन डायमेंशनल एरे नू भी दे सकते हो, टू डायमेंशनल एरे नू भी रीड इन स्टेटमेंट नाल इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि मैं किन्ने रोज किन्ने कॉलम्स लेने ने ड्यूरिंग द प्रोग्राम बाय यूजिंग रीड इन कीवर्ड। हुण डायनेमिक वन डी एरे टू डी एरे थ्री डी एरे और जैगेड एरे इन्हां नालों डायनेमिक एरे का की फर्क है, डायनेमिक एरे दे विच आपां एरे का साइज है जिहड़ा ओह फिक्स नहीं करते, आपां एरे दी एरे दे एलीमेंट्स का साइज आपां फिक्स नहीं करते। You can use redim statement to change the size of one or more dimensions of an array that has already been declared. If you have a large array, you no longer need some of its elements. Redim can free up memory by reducing the array size. For example, tusi upar 5 elements mention kite sige, ta hun tusi use kar liya, theek hai, tusi program chala liya, hun tusi apne elements di jehdi एलीमेंट्स नूं घटाना चाहते हो, क्यों घटाना चाहते हो, क्योंकि तुसी चाहते हो भी मेरी मैमरी उही ना ब्लॉक रहे, जे मैं फाइव एलीमेंट्स जे मैं हंड्रेड एलीमेंट्स डिकलेयर कर रखे ने तो हुण मेरा प्रोग्राम तो पूरा हो गया, तो वह हंड्रेड एलीमेंट्स जे मैं डिकलेयर करी रखूँगा मेरी मैमरी जी ब्लॉक पई है। सो बाय यूजिंग रीडिम कीवर्ड तुसी उहनूं घटा सकते हो, जे मैं अगे लिखूंगा रीडिम टेन तो वह हंड्रेड टू टेन हो जाएंगे। On the other hand, if your array needs more elements, redim can add. तुसी redim नाल add भी कर सकते हो elements, कटा भी सकते हो थोड़े dynamic array दे विच। By using redim keyword, तुसी elements नू कटा भी सकते हो, कटा भी सकते हो। अगे आ जांदा preserve। Preserve आप अगे example दे विच भी देखांगे। Preserve दे विच की है, जदों तुसी redim statement, जदों तुसी redim keyword use करोगे, तां जेड़े तुसी पहला मैनशनड एरे होणगे उन्हां दी वैल्यू जो तुसी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे वो जीरो शो होणगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला टू एलीमेंट्स लै रखे सीगे, उदू बाद मैंने रेडिम यूज किया, जेड़े मैंने पहला टू एलीमेंट्स लै रखे सी उन्हां दी जेड़ी वैल्यू है मेरे आउटपुट दे विच जीरो शो होगी। उन्हां नूं नाल डिस्प्ले करन लई मैनूं प्रिजर्व कीवर्ड रेडिम दे नाल यूज करना पऊगा प्रोग्राम दे विच, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਵਰਡ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ। एक एग्जाम्पल है डायनेमिक एरे दी, देखो इन दिस एग्जाम्पल रीडिम इज यूज्ड टू टाइम्स, असी रीडिम जेड़ा है उनू टू टाइम्स यूज किया है ते प्रिजर्व कीवर्ड भी ऐड किया है। हुण इहदे च आपां ने प्रोग्राम स्टार्ट किया एक डायनेमिक एरे दा डिम नेम, उदू बाद आपां ने ब्रैकेट्स दे विच कुछ मैनशन नहीं किया स्क्वेयर ब्रैकेट्स दे विच कि असी किन्ना उहदा एलीमेंट्स असी सेव करने ने एज इंटीजर। उदू बाद अपने एक वेरीएबल क्रिएट कर लिया, हूँ देखो अपने लिखा रीडिम, साढ़े जो भी
एरे का नेम है वो नेम लिखे थ्री, असी कहता भी असं थ्री एलीमेंट्स नाल काम करना चाहते हैं, फिर असी उन्होंने थ्री एलीमेंट्स नू वैल्यू भी देती। इतने तक साडा प्रोग्राम चल गया, असी यूज कर लिया। उदू बाद फिर असी चाहते हैं भी नहीं साडे एलीमेंट्स थ्री नहीं, साडे एलीमेंट्स तो फाइव ने, फिर असी की यूज करांगे रीडिंग। हुण इत्थे जे तुसी जे प्रिजर्व ना यूज करो, कल्ला रीडिम यूज करो, रीडिम नम फाइव, तो वह की करूगा थोड़े एलीमेंट्स की जड़ी गिनती है वह तो फाइव कर दूगा, बट जो उपरलिया मैनशनड वैल्यूज ने वो थोड़े आउटपुट के नहीं आनगियां। ओनू आउटपुट के शो करने लिए सानू प्रिजर्व कीवर्ड नाल लिखना पैना। ये कीवर्ड यही करता है भी जड़ियाँ थोड़िया मैं रीडिंग तो पहला डिकलेयर्ड वैल्यूज ने उन्होंने भी आउटपुट के शो करूँगा। फिर आपने एक फॉर लूप लगा के इनू शो कर लिया, फॉर आई इक्वल टू जीरो टू फाइव, जीरो होगी वैल्यू तो उवें ही जीरो टू फाइव उन्हें डिस्प्ले कर दूगा। इतने आपने रीडिंग की इतने आपने पॉइंट्स देखे भी जो आपने कोई डायनामिक एरे डिकलेयर करना है तो असी एलीमेंट्स की कोई मैनशन नहीं करना भी किन्ने एलीमेंट्स असी सेव करने ने। दूजे नंबर पर असी देखा भी रीडिंग क्यों यूज होंगे, असी इन बार बार यूज कर सकते हैं, असी ये साडे एलीमेंट्स की गिनती घटा भी सकते हैं वधा भी सकते हैं। असी प्रिजर्व कीवर्ड यूज करांगे जे रीडिंग यूज करन तो पहला आले एरेज की वैल्यू आपने शो करनी है स्क्रीन के उत्ते। नैक्सट दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे की एक होर एग्जाम्पल है, ये आपने की किया स्टार्टिंग कुछ डिकलेयर नहीं किया भी किन्ने एलीमेंट्स आपने सेव करने ने। स्टार्टिंग आपने रीडिम लिख के साढ़े एरे का नाम, उदू बाद आपने मैनशन करता टू भी असी दो एलीमेंट्स ना काम करना चाहते हैं, जीरो की वैल्यू किनी है दस, वन की वैल्यू किनी है ट्वेंटी एंड टू की वैल्यू किनी है थर्टी। उदू बाद आपने फिर दोबारा रीडिम यूज किया, प्रिजर्व भी यूज किया ताकि जो उपर असी मैनशन की ने वो वैल्यू साढ़े आउटपुट के शो होन उपर जे एरेज की आपने मैनशन की। फिर आपने मैसेज बॉक्स के डिस्प्ले करवा लिया उन्होंने मैसेज बॉक्स के। हुण लास्ट दे विच साडे कोल आ जांदा है वी जे आपां ने एरेज नू इरेज करना होवे तां किवें आपां इरेज कर सकदे हां। एरेज नू इरेज करना बहुत इंपोर्टेंट है, तुसीं बना के छड नहीं सकदे क्योंकि ओह नहीं तुहाडी मैमरी ब्लॉक करके रखदे, उहदे च तुसीं कोई ना कोई डेटा टाइप दसी हुंदी है वी मेरे एरे दी डेटा टाइप की है। उन्नी जिन्नी हुण ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਲਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬਲੋਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਐਰੇ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਐਰੇ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇ। ਸਭ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਉਹਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇਵ, ਉਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੂ ਇਰੇਜ਼ ਐਨ ਐਰੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਇਰੇਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਐਰੇ ਨੂੰ इरेज करने लिए असी इरेज स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स की है इरेज पाके तुसी एरे का नाम पाने। तुसी देख सकते हो सब तो पहला आपां एक एरे हुण डिकलेयर कर रहे हैं, उन्हों वैल्यूज दे रहे हैं, फिर उन्हों इरेज किवें करना ये आपां देख रहे हैं। सब तो पहला आपां डिम माई एरे जीरो टू टू भी असी टू एलीमेंट्स ये लैके चलेंगे एज स्ट्रिंग, असी ये नाम सेव करना। माई एरे जीरो गुरमीत, माई एरे वन इक्वल टू सतिंदर, माई एरे टू जसनीत, असी डिफरेंट नेम्स ये सेव करते। इफ यू वॉन्ट टू डिलीट इट यू कैन डिलीट इट बाई यूजिंग इरेज स्टेटमेंट, इरेज माई एरे।
इस तरह तुसी एरे नू इरेज कर सकते हो। इत्थे हुण अज दे इस लैक्चर दे विच तुसी की देखिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे 1D 2D 3D मल्टी डायमेंशनल एंड जैगड एरेज रैगड एरेज जैगड एरे भी रैगड एरे कहिंदे ने एंड डायनामिक एरेज उन्हां दे विच की फर्क है ते उन्हां नूं किवें आपां डिकलेयर कर सकदे हां उहदा सिंटैक्स की है ते एरेज आपां क्यों यूज करदे हां। एरेज एक बार फिर मैं रिपीट कर दिना एरेज की ने इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स विद अ सेम डेटा टाइप विच इज स्टोर्ड ऑन सेम लोकेशन पे स्टोर है सेम डेटा टाइप है उन्होंने असी एरेज में एक वेरिएबल दे विच स्टोर करते हैं क्यों ताकि जो असी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करिए वो तेजी नाल एग्जीक्यूट होवे क्योंकि एको ही मैमरी लोकेशन दे उत्ते साडा जिहड़ा सारे एलीमेंट्स ने कंजीक्यूटिव मैमरी लोकेशन दे उत्ते सेव ने डिफरेंट मैमरी लोकेशनस ते सेव नहीं हैगे। हुण नैक्सट आ जांदा है एडवांटेजिज एंड डिसएडवांटेजिज ऑफ योर एरे। एडवांटेजिज की ने कलैक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा असी एक तरह के डेटा सेव रख सकते हैं एक जगह पर। इफ यू वॉन्ट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इट विल ईजी टू स्टोर एन एरे अदरवाइज वी हैव टू स्टोर मार्क्स इन डिफरेंट लोकेशनस। जे आप एरे नहीं यूज करते तो वह मार्क्सा डिफरेंट लोकेशनस से सेव करने पैणगे इसलिए असी एरेज न एरेज की वरतों ना उन्होंने एक ही लोकेशन से सेव कर सकते हैं। वी हैव टू ओनली रिमैंबर द फस्ट इंडैक्स इतने तुम थोनू एरेज निकलेयर करने सिर्फ फस्ट इंडैक्स है जोड़ा उन्होंने वो याद रखना पैदा भी जिमें अपने 9 पाता तो अपने अपर इंडैक्स जोड़ा उन्होंने पाता तो वह अपने आप डिकलेयर हो जाते हैं जोड़े 9 के पिछले एरेज ने गे। टू डायमेंशनल एरेज यूज टू रिप्रजेंट अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म रोज एंड कॉलम्स उस तरह असी टू डायमें रोज के कॉलम्स बना लिए असी टू डायमेंशनल एरे यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजिज की ने टाइम कंपलैक्सिटी इनक्रीज इन इनसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन सानू इन्हों स्टार्टिंग ये वैल्यू सेव करन लई ते डिलीट करन लई काफ़ी टाइम कंज्यूम करना पैंदा। वेस्टेज ऑफ मैमरी बिकॉज एरेज आर फिक्सड इन साइज जे एरेज फिक्सड एरे आप 1D 2D आप एरेज की वरतों कर रहे हैं तो जी है साढ़े मैमरी की वेस्टेज होंगी है जे आप एरेज के एलीमेंट्स आप डिकलेयर नहीं करते जो फिक्स करते अपने तो डिकलेयर नहीं कर रहे एलीमेंट्स में वैल्यूज़ नहीं दे रहे एलीमेंट्स की है साड़ी जी मैमरी है वेस्ट जाती है। If there is enough space present in the memory but not in contiguous form, in this case, you will not able to initialize your array. Je samjh lo thode kol any space hi provide nahi hai jinna tusi array declare kar rahe ho, it will not, you cannot declare the array. Je unni space hi nahi hai thode kol. Ek A di disadvantage hai. It is not possible to increase the size of the array once you had declared the array. 1D, 2D, 3D जिहड़े इदां दे स्टैटिक ते फिक्सड एरेज ने इन्हां दा साइज तुसीं दुबारा चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग रन टाइम डायनेमिक एरे दा कर सकदे हां। कि इन्हां दी डिसएडवांटेज है। किसी का कोई क्वेश्चन होवे पूछ सकदे हां, किसी नूं कुछ ना समझ लगे हो। किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हो बच्चे। हेलो, किसी का कोई सवाल हो गए कोई
क्यूरी हो गए, कुछ पूछना हो गए। हाँ जी किसी बच्चे का कोई सवाल हो गए, कुछ उन्हें ना क्लियर हुआ हो गए पूछ सकते। बस करो, रखो, बस करो, जाओ और रखो, मंजा बार पे आया है, है? पता नहीं कोई नहीं कोई सवाल होगे, दो घंटे हो गए, प्रवाह ही कोई नहीं के जी, आखिर बंद करते। थैंक यू जोशी सर। स्टूडेंट्स प्लीज काइंडली कॉन्टैक्ट डिटेल थोड़े सामने है, तुम नोट कर सकते हो, सर तो वट्सएप पर कोई इनफॉर्मेशन लैंड है तुम लै सकते हो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू जोशी सर, थैंक यू।